साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक से। मन की बात में पीएम मोदी ने होली की शुभकामनाएं दी, बोले त्यौहार वोकल फॉर लोकल के साथ मनाएं। पीएम मोदी ने 3 महीने में तीसरी बार बजाया ढोल, दिल्ली के कन्नड़ प्रोग्राम में बजाया, कर्नाटक की संस्कृति को सेलिब्रेट किया। लालू यादव ने भाजपा और आरएसएस पर कसा तंज, बोले बीजेपी पार्टी नहीं आरएसएस का मुखौटा है, दोनों आरक्षण विरोधी। पटना में अमित शाह के निशाने पर नीतीश, कहा नीतीश चारा चोर के साथ बैठे हैं, इससे किसानों का भला क्या होगा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले पर हमला, काले झंडे भी दिखाए, निषिद्ध प्रामाणिक पार्टी वर्कर्स से मिलने जा रहे थे। महाराष्ट्र में इलेक्शन को लेकर उद्धव शरद की राय अलग, ठाकरे बोले चुनाव को तैयार रहे, एनसीपी चीफ ने कहा इसकी वजह नहीं दिखती। एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले डेवलपमेंट फंड के लिए केंद्र से अच्छे संबंध की जरूरत। केसीआर की बेटी कविता कांग्रेस पर कसा तंज, बोली कांग्रेस का कोई फ्रंट नहीं, खाली तंबू है, देश में सिर्फ एक ही फ्रंट है, बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा दावा का, शिवसेना में विरोध पर उद्धव ने की थी सीएम पद की पेशकश। सोनिया गांधी के भाषण पर भाजपा का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले संस्थाओं की स्वायत्तता पर किया हमला। एनसीपी नेता हसन मुनसिफ के मुश्किलें बढ़ी, शुगर मिल घोटाले में मामले में दर्ज केस, ईडी की हो चुकी है छापेमारी। मतदाता मतदान से पहले वोटरों को लुभाने में लगे सीएम स्टालिन, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया के मानसिक सहायता योजना लागू करेगी। रिटायर्ड कमांडर का दावा, बोले पुलवामा के 10 दिन के भीतर होना था दूसरा हमला, सुरक्षा बलों ने इसे टाला। धर्मशाला से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना गलत, हाईकोर्ट ने कहा यह व्यवसायिक कार्य नहीं, फरीदाबाद नगर निगम का नोटिस खारिज। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का दावा, मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं, पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का डॉक्यूमेंट। उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह घोषित होगी भाजपा की प्रदेश टीम, मंथन के लिए भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल दिल्ली में। भैया नेता कहने पर संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार, कहा आप जैसे बड़े नेता को इस तरह नहीं देना चाहिए था बयान। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, बोले भाजपा सरकार कहीं ये बहाना ना बनाए कि उत्तर प्रदेश में शूटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम बिजस पाठक ने सीएमओ व सीएमएस को किया है अलर्ट, मरीजों को बेवजह दूसरे जिले भेजने वाले डॉक्टरों नापेंगे।
अब्बास पर दिल्ली पुलिस भी थी मेहरबान, अफसर से लाइसेंस में आठवां असला चढ़ाया। उमेश के परिजन की सपा विधायक से हुई बहस, पूजा पाल सांत्वना देने पहुंची थी, हत्याकांड के चार आरोपियों की हुई पहचान। आजमगढ़ में कांग्रेसियों ने निकाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, खास जब से सत्ता में बीजेपी आई तब से देश में नफरत का माहौल है। बरेली जेल में बंद है अतीक अहमद का भाई अशरफ, सुरक्षा में तनाव, स्टाफ बदला, निगरानी बढ़ी। उमेश पाल हत्याकांड में था शामिल अतीक का बेटा अशद, लगातार कर रहा था फायरिंग। गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त, अलीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 महीने पहले पत्नी की संपत्ति भी हुई थी कुर्क। चित्रकूट में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग, राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे एफआईआर करने वाले युवक ने उठाई मांग। सीतापुर में कथा सुन रहे लोगों पर चढ़ाई कार, बच्चे की मौत, 16 लोग हुए घायल, 4 की हालत गंभीर, नशे में था चालक। बुलंदशहर में 2 समुदायों के बीच हुई कई राउंड फायरिंग, 1 पक्ष में 3 सगे भाइयों सहित 4 की हालत गंभीर। कानपुर के चकेरी थाने में पथराव, पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई जान, थाने के अंदर 2 पक्षों में हुई मारपीट और चले लाठी डंडे। उन्नाव में सिलेंडर फटने से महिला की मौत, कानपुर में चल रहा था इलाज, 24 फरवरी को खाना बनाते समय हुआ बड़ा हादसा। फर्जी मदरसा चलाकर छात्रवृत्ति हड़पने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, सहारनपुर में 1 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में महिला पर गुलदार ने किया हमला, जंगल में पशुओं के लिए घास लेनी गई थी, आधे तक हिम्मत दिखाकर किया सामना। आजमगढ़ में सड़कों और चिकित्सा व्यवस्था में हुई समीक्षा, कमिश्नर बोले जिसका कार्य खराब है उसके विरुद्ध करेंगे कार्रवाई। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद लोगों में दिखा आक्रोश, डीएम के सामने की नारेबाजी। कबाड़ के गोदाम समेत 7 झोपड़ियों में लगी आग, 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू, हादसे का कारण नहीं पता चला। बदायूं में 1 युवक को बेहोश कर ई रिक्शा लूटा, पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, सांवरिया बनकर रिक्शे में बैठे थे बदमाश। संभल में 2 सांडों की लड़ाई से मची अफरा तफरी, पुलिस ने दोनों को किया अलग, 1 सांड नाले में गिरा, दमकल ने बाहर निकाला। पुलिस ने लिटोरों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की, अलीगढ़ में दिन दहाड़े लूट की वारदात को देते थे अंजाम। फतेहपुर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, वाहनों को रोक कर ली तलाशी, संदिग्ध लोगों से पूछताछ, सीओ रहे मौजूद। भदोही में NH-19 का ARTO ने चलाया चेकिंग अभियान, शराब के नशे में पाए गए 5 वाहन चालक।
कौशाम्बी में हेमराज व उसके गुर्गों पर गैंगस्टर दूध डेयरी की आड़ में करता था अवैध शराब का धंधा। बदायूं में होली पर सतर्क रहे, पुलिस खामी हुई तो कार्रवाई तय। बैठक में एडीजी पीसी मीणा ने अफसरों को दी चेतावनी। फिरोजाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़, दो बदमाशों के पैरों में लगी गोली, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। अमेठी में सड़क हादसे में एक की मौत, दो घायल। मैजिक्स ने बाइक को मारी टक्कर, प्रतापगढ़ से बाराबंकी जा रहे थे तीनों। सुल्तानपुर में फंदे से लटकता मिला किशोरी का शव। घटना के समय परिवार वाले घर के बाहर थे, अंदर आए तो बॉडी देख चीख पड़े। उत्तराखंड के तिवाड़ गांव में सुबह सुबह भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री धामी, पावर वीडर से लगाया खेतों में हल। सीएम धामी ने ओड़ी में संवाद कार्यक्रम में सुनी समस्याएं, कहा G20 सम्मेलन से मिलेगी गांव को पहचान। उत्तराखंड के टिहरी पहुंचे सीएम धामी, दी 5 अरब 33 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तराखंड के FIS राजीव भरतरी को बड़ी राहत, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सरकार को दिए पद पर बहाली के निर्देश। उत्तराखंड में G20 मीटिंग की तैयारियों का कमिश्नर ने लिया है जायजा, अधिकारियों को दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड के देहरादून में स्कूल ने 86 छात्रों को नहीं देने की 12वीं की परीक्षा, CBSE ने लिया एक्शन, मान्यता खत्म। उत्तराखंड में दस्तक दे सकता है ताजा पश्चिम विपक्ष, 4 जिलों में हल्की वर्षा व हिमपात के आसार। जोशीमठ में असुरक्षित भवनों के बीच खौफ में जी रहे परिवार, नाखुश प्रभावितों ने शासन देश की प्रतिया जलाई। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 1.25 लाख पार, हेल्पलाइन नंबर जारी। केदारनाथ मंदिर में लगेगा सोने का कलश, पहली बार श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर गर्भगृह में करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। प्रदेश में अतिरिक्त बिजली देने पर केंद्र ने जताई है मजबूरी, गहरा संकट हो सकता है, सीएम ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड की राजधानी में देहरादून के देव व्यापार का भंडाफोड़, 1500 से 10,000 रुपए तक में किया जाता था सौदा। उत्तराखंड में पश्चिम में तनाव में पंखे से लटकता 5वीं का छात्र, बेटे के इस कदम से सहमे परिजन। उत्तराखंड में रुपयों को लेकर पिता से हुआ विवाद तो बेटे ने नहीं बख्शा, 12 साल के बच्चे पर चाकू से किया वार। उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सचिवालय से मांगा जवाब। नेपाल में खतरे में प्रचंड सरकार, डिप्टी पीएम सहित 4 मंत्रियों का इस्तीफा, विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने से नाराज।
अफगानिस्तान में ऑनलाइन पढ़ रही हैं छात्राएं, तालिबान ने स्कूल कॉलेज जाने पर लगाई थी रोक। उत्तर कोरिया में घट रहा है अनाज उत्पादन, भुखमरी की तरफ देश, किम जोन पर सत्ता बचाने की चुनौती। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विस्फोट में दो पुलिसकर्मियों की मौत, दो घायल, पुलिस मौके पर मौजूद। यूक्रेन मामले पर यूएन आम सभा से अनुपस्थित रहा बांग्लादेश, रूस ने कहा धन्यवाद, गैर हाजिर रहे देशों में भारत भी शामिल। श्रीलंका फिर गहरे आर्थिक संकट में, पिछले एक साल में 45% गिरा श्रीलंकाई रुपया, विदेशी मुद्रा भंडार में 500 मिलियन डॉलर की कमी। अमेरिका के नेवादा में मेडिकल फ्लाइट क्रैश, एक मरीज समेत 5 लोगों की मौत, हादसा खराब मौसम के कारण हुआ। अफगानिस्तान में 3 दिन में दूसरी बार भूकंप, पापुआ न्यू गिनी और जापान में भी तेज कंपन से हिली धरती। तालिबान का पाक को प्रस्ताव, टीटीपी लड़ाकों को रोकने के लिए तैयार, लेकिन उन्हें पुनर्वास का खर्चा उठाए पाकिस्तान। अजरबैजान दूतावास में खोजाली नरसंहार के पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि, 613 लोगों की हुई थी हत्या। Xiaomi 13 Pro भारत में लॉन्च, Snapdragon 8 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर के साथ मिलेगा वाटर प्रूफ स्मार्टफोन। निशान ने अपग्रेड की अपनी पॉपुलर SUV मेगराइट के सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेल्फी फीचर। गर्मी में झेलनी पड़ सकती है बिजली कटौती, फरवरी में ही कई जगह पारा 40 पार, अप्रैल में 229 गीगावाट पहुंचे सकती है पावर डिमांड। सोने चांदी में बड़ी गिरावट, फिसलकर 56,000 के नीचे आया सोना, चांदी में भी 13,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। पीएम मोदी से मिले जर्मन कंपनी के CEO, बोले मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों की पूरी दुनिया को जरूरत। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब कर्मचारियों का वेतन रोका, सेल्स टैक्स में भी इजाफा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार, अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन बोली हम दोस्ताना नजरिए से आगे बढ़ेंगे। क्रिप्टो के जोखिम को लेकर RBI गवर्नर शशिकांत दास का बड़ा बयान, का एक इंटरनेशनल होमवर्क की आवश्यकता। क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी घोषित करने के मुद्दे पर भारत के समर्थन में IMF, कहा क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अमीरों की लिस्ट में टॉप 30 से बाहर हुए गौतम अडानी, अंबानी की आधी दौलत के बराबर भी नहीं नेटवर्थ। नवेस ओल्ड वाइज से जुड़ सकते हैं मेसी, जिस टीम से 8 साल की उम्र में मौका दिया वह लौट सकते हैं मेसी। पहलवान के अवतार में नजर आए वार्नर, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने फिल्म की रील में रेसलिंग करते नजर आए।
अकमल ने निशांत शर्मा पर गाली देने का लगाया आरोप, बोले 2012 में बेंगलुरु में हुए मैच के दौरान तेज गेंदबाज ने कहा था अपशब्द। दिल्ली टेस्ट के नतीजों पर रवि शास्त्री की राय, बोले लापरवाही और अनुशासन में कमी के कारण हारा ऑस्ट्रेलिया। साउथी ने टेस्ट के सर्वाधिक छक्कों के मामले में धोनी, पीटरसन और हिसबाग को पीछे छोड़ा, इंग्लैंड के खिलाफ जड़े 6 छक्के। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल आज, दूसरी बार खिताबी हैट्रिक जमाने उतरेगी ऑस्ट्रेलिया। साधु ठाकुर 27 फरवरी को करेंगे शादी, हल्दी सेरेमनी के झिंगाट पर किया जाए डांस, मराठी रिवाजों से गर्लफ्रेंड संग लेंगे सात फेरे। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट, गिल और कोहली इंदौर पहुंचे, बाकी खिलाड़ी शाम तक आएंगे, प्रैक्टिस सेशन कल। इंग्लैंड ने 435 एट पर घोषित की पहली पारी, न्यूजीलैंड के 138 पर 7 विकेट गवाए, एडरसन लीच को 3-3 विकेट। दिल्ली और नागपुर के विकेट पर रविचंद्र अश्विन की सलाह, बोले अगर पिच को सम्मान दोगे तो वह भी तुम्हारा सम्मान करेगी। कजाकिस्तान छोड़ इंडिया में बिजनेस करेंगे अबू रोजिक, मुंबई में खोलेंगे अपना रेस्टोरेंट, पेपराजी से कहा बर्गर खाने जरूर आना। कदर दूर में दिखेंगे पठान के जनरल कादिर, फिल्म के विलन मनीष बोले नहीं रिप्लेस किया गया अमरीश पुरी का किरदार। कंगना रेनॉट ने स्वीकार की अमृतपाल की चुनौती, बोले अगर खालिस्तानियों ने मुझे गोली नहीं मारी तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। बॉलीवुड पर भड़के नसीरुद्दीन शाह, बोले हिंदी फिल्मों में मुस्लिम मरता था, सिख ईसाई मुसलमान मजाक उड़ाया करता था। शादी के बाद अवार्ड फंक्शन में अलग अलग पहुंचे कियारा सिद्धार्थ, पीली साड़ी में फिर से दिखा एक्ट्रेस का बैचलर अंदाज। पंद्रह मार्च तक होगी आवारा पागल दीवाना 2 वेलकम 3 की अनाउंसमेंट, फिरोज नडियाडवाला के अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी सामने आई। हिमाचल में सरजमी की शूटिंग शुरू, सैफ के बेटे डेब्यू में लीड में काजोल पृथ्वीराज। नसीरुद्दीन शाह का बड़ा बयान, बोले मुगल लूटपाट नहीं बल्कि यहां घर बनाने आए थे, अब तक गिर गया होता। किलीपा ने रणवीर कपूर के गाने पर किया डांस, गाय भैंसों के बीच प्यार होता कई बार है का हुक स्टेप किया। ऑस्कर से पहले ट्रिपल आर को मिली बड़ी कामयाबी, 4 कैटेगरी में जीता हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन का अवार्ड।